भावना ये बताइए आपके अनुसार हेल्दी रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? न्यूट्रिशन. तो चलिए मेंटल हेल्थ सेगमेंट में आज जानते हैं कि हेल्दी माइंड के लिए न्यूट्रिशन कैसा हो. डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर वजीहा मेहताब. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. आप एक डाइटिशियन हैं. शुक्रिया. तो वजीहा जी, क्योंकि ब्रेकफास्ट का समय है तो सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि ब्रेकफास्ट में हम क्या शामिल करें जो कि न्यूट्रिटिव हो, हमारे माइंड के लिए भी हेल्दी हो. देखिए, ब्रेकफास्ट जो है हमारे दिन की सबसे इम्पॉर्टेंट मील होती है. कहा जाता है कि अगर इंसान ने नाश्ता अच्छा कर लिया उसका दिन अच्छा गुजरा. तो उसके अंदर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सारे फूड ग्रुप्स, जो हमारा 5 फूड ग्रुप प्लान होता है जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दिया है, हम उस फूड ग्रुप के उन सभी में से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अपने ब्रेकफास्ट के अंदर लें. जैसे उसके अंदर दूध होना चाहिए जो कि प्रोटीन का सबसे मेन सोर्स होता है. उसमें एग होना चाहिए नॉन वेजिटेरियंस के लिए. वेजिटेरियंस पनीर ले सकते हैं. और दूसरा, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का सोर्स होना चाहिए, जैसे कि आपके ओट्स ले सकते हो आप म्यूजली ले सकते हो, आप कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हो, आप मल्टीग्रेन ब्रेड्स ले सकते हैं. एंड इफ़ पीपल वांट टू ऐड, दे कैन हैव फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ, या तो वो मिल्क में डालकर उसको शेक की फॉर्म में ले लें, या वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ वेजिटेबल्स को इनकॉर्पोरेट करके सैंडविच बना लें, या ओट्स में वेजिटेबल दलिया बना लें, वेजिटेबल ओट्स बना लें. हाँ, तो इस तरीके की चीज़ें हम करके अपना एक ब्रेकफास्ट अच्छा हेल्दी बना सकते हैं. आपने अभी जिस तरीके से फ्रूट्स की बात की, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो जिनको बहुत जल्दी होती है तो वो केला खा लेते हैं कि एक बनाना ले लिया, दो बनाना ले लिया ब्रेकफास्ट में, और कुछ खाने का टाइम नहीं होता. तो क्या बनाना, सिर्फ खाली बनाना सफिशिएंट है, या उसके साथ मिल्क की एक क्वालिटी होनी चाहिए साथ में, किस तरीके से लिया जाए? जैसे मैंने बोला, सभी फूड ग्रुप्स का होना एक अच्छे इम्पोर्टेंट ब्रेकफास्ट के लिए जरूरी है. एक वो ब्रेकफास्ट हेल्दी जब ही कहलाएगा जब ही उसके अंदर सारे फूड ग्रुप्स होंगे. तो ये 5 फूड ग्रुप कौन से आप कह रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन? नो, दीज आर न्यूट्रिएंट्स. फूड ग्रुप्स आर सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एंड मीट एंड पोल्ट्री. ओके ओके. तो फिर जैसे अगर किसी ने खाली पेट सुबह सुबह सिर्फ केला खा लिया या अमरूद खा लिया, ऐसे खाली पेट खा सकते हैं? खा सकते हैं, भूख मिट जाएगी लेकिन पोषण कुछ नहीं मिलेगा. लेकिन कई लोग कहते हैं सुबह सुबह वजीहा जी हमसे उतना खाया ही नहीं जाता. नो, वो आपके निज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है. आप अपना लाइफस्टाइल किस तरीके से मेंटेन करके रख चल रहे हैं. अगर आप रात को हैवी खा लोगे, आपने बिना किसी एक्टिविटी के खा के आप सो गए, तो फिर आप सुबह कहाँ से खा पाओगे? तो इसीलिए कहा जाता है कि हर मील बैलेंस्ड होनी चाहिए, उस हिसाब से होनी चाहिए कि हम आगे वाली मील के लिए जगह पेट में बना सकें. जी, अगर पर्सन टू पर्सन, मतलब ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका ब्रेकफास्ट कैसा हो, लंच कैसा हो, और आपका डिनर कैसा हो. अगर हम पहले ब्रेकफास्ट की अगर हम बात करें, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? आपने बताया जो चीज़ें शामिल करनी चाहिए, लेकिन क्या चीज़ बिल्कुल ना लें ब्रेकफास्ट में जो नुकसान कर सकती है? जैसे आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. लोगों के पास टाइम नहीं है, ऑफिस के लिए जल्दी होती है, तो जो भी रेडी टू ईट मार्केट में अवेलेबल होता है वो ले आते हैं. यू कैन से कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स, जैसे वाइट ब्रेड्स, लोगों को ये बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि एक तो निरा मैदा है, कॉन्स्टिपेशन लीड करता है, एंड अगेन वाइट ब्रेड इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. ब्राउन ब्रेड भी आजकल, सर बोलूंगी तो वो कलर वाली ब्रेड होती है. तो बेस्ट होता है, बोला जाता है कि आप मल्टीग्रेन ब्रेड लें. और मल्टीग्रेन ब्रेड प्रोसेस्ड, अगेन दिस इज अ प्रोसेस्ड थिंग, तो जितना हो सके उतना नेचुरल के फॉर्म्स में लें. जैसे ओट्स लें, वेजिटेबल दलिया बनाएं, आप पोहा ले सकते हैं, आप राइस का उत्पम बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं. ऑल दीज साउथ इंडियन फूड्स आर फर्मेंटेड फूड्स. इनके अंदर गुड बैक्टीरिया डेवलप होते हैं जो कि आपकी फर्स्ट मील के लिए, This gives you a happy gut. So a happy gut gives you a happy mind. अगर बच्चों की बात करें, क्योंकि छोटे बच्चों का appetite कम होता है, diet कम होती है, लेकिन हमें nutrition पूरा देना है उनको, तो उसमें क्या क्या चीज़ ऐसी शामिल कर सकते हैं जो वो ईजिली खा सकें और उनको न्यूट्रिशन भरपूर मिल जाए? बच्चों के साथ ये होता है कि उनको कम क्वान्टिटी के अंदर जितना कैलोरी डेंस करके दिया जा सके, सो डैट आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा picky eaters एंड finicky eaters हैं, वो लोग नहीं खाते हैं. तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम ईट कम्प्लीट मील,
गिव देम स्मॉल बाइट्स विच आर न्यूट्रिशनली डेंस. जैसे आप अगर आप उनको पूरी छोले देना है पर अब वो सब्जी नहीं खाने को तैयार है तो आप उस पूरी के आटे के अंदर पालक का प्योरी डाल दें, आप उसके अंदर चुकंदर की प्योरी डाल दें तो कि बच्चे के अंदर सब्जी भी चली जाएगी, उन्हें वो कलरफुल भी दिखेगा और वो खाएंगे भी जी. लेकिन जैसे आपने प्रोसेस्ड फूड की बात करी, आजकल बहुत प्रोसेस्ड शुगर हम कंज्यूम करते हैं और कभी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लेते हैं, फिजी ड्रिंक्स ले लेते हैं, तो प्रोसेस्ड शुगर अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो उसका दिमाग पर क्या असर पड़ता है? प्रोसेस्ड शुगर ज़्यादा लेने से अगेन एनी प्रोसेस्ड थिंग्स लीड्स टू इन्फ्लेमेशन. ओके. बॉडी के अंदर सूजन का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और हमारी बॉडी शुगर, ठीक है हमारा ब्रेन जो है, हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी हमें शुगर से ही मिलती है, लेकिन नहीं है सिर्फ कि शुगर से ही मिलेगी. अगर आपकी एक डाइट पूरी कंप्लीट बैलेंस्ड रहेगी, आपको टाइम टाइम पर आपको जितनी एनर्जी डिवाइडेड है वो मिलती रहेगी, तो फिर आपको अननेसेसरी शुगर लेने की ज़रूरत नहीं है. 30 grams ऑफ पर डे शुगर तो हमारी डाइटरी गाइडलाइंस ने भी रेकमेंड करी है. okay. पर उसके ज़्यादा बियॉन्ड जाएंगे अगर हम, तो हम अपने रिस्क फैक्टर डायबिटीज़ के लिए बढ़ा सकते हैं, कार्बोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए बना सकते हैं, हार्ट डिजीज़ के लिए बढ़ा सकते हैं. सेम वे फॉर मेंटल हेल्थ, एक्सेस ऑफ शुगर विल लीड टू मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स विच विल अफेक्ट योर ब्रेन डायरेक्टली. ओके. अगर नट्स और ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो आपने कहा कि वो 5 चीज़ें होनी चाहिए आपके डाइट में, तो वो किस तरीके से शामिल किया जाए नट्स को, ड्राई फ्रूट्स को, ताकि इजीली कंज्यूम भी हो जाए और उसका फ़ायदा भी मिले? नट्स तो एक मैं हमेशा अपने मरीजों को भी बोलती हूँ और नॉर्मल लोगों को भी बोलती हूँ कि दिन के 5 बादाम तो ज़रूर खाओ, 5 बादाम और 2 अखरोट भीगे हुए. गर्मियों में भी खा सकते, गर्मियों में भी खा सकते हो आप भीगे हुए, क्योंकि उनके अंदर गुड फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं. वॉलनट्स आर वेरी रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड दीज फैटी एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन सेल्स. जी. एक ब्लड प्रेशर की बात जरूर करूंगा मैं आपसे डॉक्टर वजीहा, क्योंकि आजकल हाइपरटेंशन बहुत लोगों को है, तो अगर मान लीजिए किसी को हाई बीपी है जी, और हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर की बात करें, तो कौन से फूड हैं जो बीपी को कम करते हैं, हाई बीपी में खा सकते हैं? हाई बीपी में लो सोडियम फूड्स खाने चाहिए. Okay. जैसे लो सोडियम फूड, जैसे अगर आप ब्रेड की बात करोगे, तो अगर आपको वो नमकीन ब्रेड ना भी लगे, बोला जाता है जिस चीज़ में नमक ज़्यादा होगा उसमें सोडियम ज़्यादा होगा, तो वो ब्रेड नमकीन भी ना लगे, बट प्रोसेस्ड चीज़ों के अंदर सोडियम बहुत हाई होता है, भले ही उसमें सॉल्ट डाले ना डालें, बट प्रेजर्वेटिव्स के थ्रू भी आ जाता है. मक्खन भी बिना सॉल्ट वाला मक्खन. okay. थोड़ा अनसॉल्टेड जो है दैट इज लेस एक्सेप्टेबल, तो पेशेंट्स को हम कम ही बोलते हैं लेने के लिए. जी. हाँ, तो चलते चलते क्योंकि रमजान का महीना है, आपने खुद भी रोजे रखे हैं, तो फास्टिंग से भी मदद मिलती है? माशाल्लाह जी, फास्टिंग रियली हेल्प्स, बिकॉज दैट वो जो एक 16 आवर या 14 आवर्स का जो भी पीरियड होता है आपका फास्टिंग का, वो बॉडी में से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है. ओके. या आपका माइंड जो है वो प्रोसेस चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं है. आप क्योंकि रमज़ान के महीने में मोस्टली लोग फ्रूट्स का इंटेक बहुत करते हैं, हम लोग जैसे रोज़ा खोलते हैं, फ्रूट चाट लेते हैं, वी टेक बॉइल्ड छोले लेते हैं, चने की दाल लेते हैं, बॉइल्ड चने, लोगों ने पकौड़ों का फैशन बना दिया है, बट दैट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग एंड विच आई विल पर्सनली नॉट रिकमेंड, मैं अपनी फैमिली में भी नहीं करती हूँ. Okay. जी. तो डॉक्टर वजीहा आज डीडी मॉर्निंग शो में आकर हेल्दी माइंड के लिए क्या न्यूट्रिशन रखें ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और रमज़ान मुबारक. थैंक यू सो मच. Thank you so much.